आपस में दोनों मिलकर के एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे और एक दूसरे का क्या नाम है आदर कर रहे थे। अब ये जो अगर एक घटना कोई हो गई है तो ये कोई षड्यंत्र होगा, ये जान पूछ के नहीं हुई है, ये किसी का षड्यंत्र होगा। सपा का भी षड्यंत्र हो सकता है, कांग्रेस का भी षड्यंत्र हो सकता है। ये अखिलेश जी की सरकार थी तो यहाँ पर आग लगाने का काम हो रहा था वातावरण में, और जब से योगी जी की सरकार आई है तो यहाँ पर बाग लगाने का काम हो रहा है, चारों तरफ शांति है, आप कहीं आग नहीं लग रही है, आप बाग लगाए जा रहे हैं। और यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ बहराइच की घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, वही मैं उत्तर प्रदेश के आगरा की यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये तस्वीर आप देखिए, इस कैमरे के माध्यम से आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये एक जुलूस है जो जुलूस गौसे आजम जिसको कहा जा रहा है, और ये तस्वीर आप देख सकती है आगरा की तस्वीर है कि किस तरह से जहां पर लगातार बहराइच को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उसी बीच हम आपको ये जुलूस भी दिखा रहे हैं जो जुलूस उत्तर प्रदेश के आगरा, ताज की नगरी, मोहब्बत की नगरी आगरा में निकल रहा है। और ये जो जुलूस की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जुलूस की तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर सौहार्दपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है। हालांकि लगातार आरोप प्रत्यारोप बहराइच की घटना को लेकर जरूर लग रहे हैं, सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे हों। लेकिन एक और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये जो जुलूस है ये ताज नगरी आगरा में निकल रहा है, और मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं जो व्यक्ति हैं उनके साथ कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में आपको सजावट नजर आएगी, और जुलूस लगातार लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगा। सर क्या नाम होगा आपका? हाजी अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ साहब, हाजी साहब, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का ये जुलूस है, आज किस तरीके का पर्व मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हम 11वीं शरीफ मना रहे हैं, पीरान पीर अब्दुल कादिर जीलानी जो बगदाद शरीफ में जिनका मज़ार है उनका आज सालाना जो है जश्न मनाया जा रहा है 11वीं शरीफ। पीरान पीर दस्तीगीर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबानी। अच्छा हाजी जी, लगातार मैं देख रहा था कि एक बड़ी सजावट है, आप जुलूस लेकर चल रहे थे, मैं देख रहा था, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं जब ये मौसम है, ये पर्व का, त्योहारों का जो इस वक्त मौसम चल रहा है, चाहे अभी रावण दहन हुआ हो, दशहरा मनाया गया हो, लेकिन जब तस्वीर बहराइच की आती है वहाँ पर एक दूसरा समुदाय आमने सामने हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं, आखिर किस तरीके की तस्वीर है? एक जो मूर्ति निकलती है विसर्जन के लिए उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, कौन हैं ये लोग जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए? देखिए सौहार्द तो बिगड़ा नहीं है, सौहार्द तो बना हुआ है, और यहाँ पर अभी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकले थे, उसमें गणेश चतुर्थी के भी जुलूस निकले थे, आपस में दोनों मिलकर के एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे और एक दूसरे का क्या नाम है आदर कर रहे थे। अब ये जो अगर एक घटना कोई हो गई है तो ये कोई षड्यंत्र होगा, ये जान पूछ के नहीं हुई है, ये किसी का षड्यंत्र होगा। सपा का भी षड्यंत्र हो सकता है, कांग्रेस का भी षड्यंत्र हो सकता है। आप कह रहे हैं सपा का षड्यंत्र हो सकता है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उधर तो अखिलेश यादव जी सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सौहार्द व्यवस्था है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं लग रहा कि व्यवस्था कैसी बननी है, किस तरीके से आम जनता की रक्षा होगी। देखिए चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं बस। इन्होंने कभी मुसलमानों के विकास की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों की तरक्की की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों की तालीम याफ्ता होने की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों को बरसरे रोज़गार होने की बात नहीं करी कि मुसलमान की गरीबी कैसे दूर होगी, मुसलमान बरसरे रोज़गार कैसे होगा, मुसलमान अच्छी अच्छी पोस्टों पर, सरकारी नौकरियों पर कैसे पहुँचेगा। इन्होंने कभी इस बात की कोई चिंता नहीं करी, बस मजहबी जज्बात भड़काने हैं और आपस में नफ़रतें पैदा करनी है, और इनके पास कोई काम नहीं है, और नफ़रत से इनकी राजनीति चलती है। हाजी जी, जिस तरीके की तस्वीर बहराइच से देखने को मिल रही है, हालांकि मैं ये देख रहा था कि आपने कहा कि ये हिंदू हैं, और ये तमाम जो तस्वीर नज़र आ रही है, कुछ हिंदू भाई भी आपके इस पूरे जलसे में, इस पूरे जुलूस में साथ चल रहे थे, लेकिन जो बहराइच में हो रहा है, आप एक बहुत
ज्ञाता है, मैं आपको देखता भी रहता हूँ। और आज मैं दिल्ली से स्पेशली यहाँ पर आया था तो मेरी आपसे संपर्क हुआ, आपका मैं देख रहा था सोशल मीडिया कि आप एक जुलूस को लेकर जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब राम गोपाल मिश्रा को कुछ लोग घर में खींच कर उनके ऊपर गोली चला देते हैं, उनको मार देते हैं, कौन है ये लोग, आखिर क्या चाहते हैं, क्या ये षड्यंत्र है, ये किसी की साजिश है, ये किसी का पीछे से पर्दे के पीछे से किसी ने षड्यंत्र रचा है कि किसी भी तरह से यहाँ का अमन खराब हो, भाईचारा खराब हो, जो लोग शांति से आपस में रह रहे हैं वो एक दूसरे को जो है नफरतें पैदा हो जाएं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं, उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं हिंदू मुस्लिम तो वो करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो भाजपा खेल रही है, योगी आदित्यनाथ तो मुस्लिमों को डरा के रखना चाहते हैं। जब 2012 में मुलायम सिंह ने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उनके मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ पर दंगे शुरू हो गए थे, आगे लगना, झगड़े होना, कर्फ्यू लगना, आपस में मारकाट होना, दुकानें लूटना, ये सब काम हुआ था। 2017 में जब ये मुख्यमंत्री पद से उतर गए, फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेके अब तक यहाँ पर सुकून और चैन है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, कहीं कोई आगे नहीं लग रही है, कहीं कोई मारकाट नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मुसलमान अगर बेरोज़गार है तो मेहनत कर रहा है अपने रोज़गार के लिए, अगर बेपढ़ा है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है, अब किसी का कोई झगड़े की तरफ ध्यान नहीं है, सब अमन से, सुकून से और चैन से रहना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि बहराइच की जो घटना हुई है उस पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये तस्वीर सबसे अलग है? ये जब भी सत्ता में होते हैं तब भी षड्यंत्र करके हिंदू मुसलमान के झगड़े कराते हैं, और ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब भी ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुसलमान के झगड़े कराते हैं, सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते हैं। अखिलेश जी ने दिया क्या मुसलमानों को सिवाय परेशानी के, और कुछ नहीं दिया है। आपका जब ये जुलूस निकलता है तो आप हिंदू परिवारों के बीच से भी निकलते हैं, हिंदू समाज की दुकानों के सामने से भी निकलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि हिंदू ने किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया हो, किसी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया हो? दुकानें अगर खुली हुई होती तो पुष्प वर्षा होती, हिंदू भाइयों की जो दुकानें हैं यहाँ पर ये पुष्प वर्षा करते हैं जुलूस पर, नहीं तो हिंदू भाइयों की भरपूर संख्या होती है इस जुलूस में। अजीत जी, आप पूरी तरीके से सहमत हैं सरकार के कामकाज से या फिर अखिलेश यादव जी जो सवाल उठा रहे हैं? मैं अखिलेश जी से बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है, अखिलेश जी लगातार टारगेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, वो ये कह रहे हैं, और उधर ओवैसी की भी आपने बात की है, वो भी यही कहते हैं कि अगर मुसलमानों का रहनुमा सिर्फ मुसलमानों से वोट लेने का काम अखिलेश जी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन भाजपा जो है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के वोट ले रही है, अगर रहनुमा कोई है तो वो ओवैसी साहब हैं, ओवैसी की तरफ मुसलमान देख नहीं रहा। ओवैसी साहब मेडिकल कॉलेज चलाते हैं अपना, कितने परसेंट मुसलमान बच्चों को फ्री एडमिशन देते हैं, जो बच्चे काबिल हैं क्या 2% अपने 100% में से उन्होंने 2% कोटा रखा है कि मुसलमान के पास पैसा नहीं है और काबिल है तो हम उसको अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देंगे, आप पूछना उनसे। वो बैंक चलाते हैं दारुसलाम, क्या मुसलमानों को बगैर कर्ज देते हैं, बगैर कहने में उसके ब्याज के देते हैं कि साहब जाओ तुम कारोबार करो, जब तुम्हारे पास हो जाए तो आप वापस कर देना, तुमसे कोई सूद नहीं लिया जाएगा। ऐसी कोई योजना है ओवैसी साहब की, ऐसी कोई योजना है उनके पास मेडिकल कॉलेज में या दारुसलाम बैंक में? शायद क्या बदलाव नज़र आया आपको, पहले भी सरकारें थी, आप तो लगातार बुजुर्ग हैं, आपने बात को घुमा दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या मेडिकल कॉलेज में दारुसलाम में उनके पास ऐसी कोई सुविधा है जो मुसलमान को लाभ पहुँचे, आप पूछिए, आप तो उनसे पूछ सकते हैं ना। आप यहाँ से सीधा कह रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, ओवैसी साहब को बड़ी डिबेट में बैठते हैं बड़े बड़े चैनलों। हाँ, जवाब दीजिए आप मेडिकल कॉलेज। हाजी अल्ताफ जी उनको जवाब के लिए उनको कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि आपने क्या किया मुसलमान, आप जवाब की आप बात, आप जवाब दीजिए, आप मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, कितने परसेंट गरीब बच्चों को आप फ्री में एडमिशन देते हैं, कम से कम 2% तो देना आप, गरीब बच्चे जो काबिल हैं, जो पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, MBBS कर सकते हैं वो, तो आप उनको एडमिशन क्यों नहीं देते अपनी तरफ से 2%, आप उसमें अपने मेडिकल कॉलेज में आप कोटा दीजिए मुसलमानों को, आप बैंक चलाते हैं, आप मुसलमानों को कारोबार के लिए पैसा दीजिए, क्यों नहीं देते हैं? दारुसलाम बैंक कितनी बड़ी बैंक है उनकी, नहीं मालूम आपको, बताइए आप। देखिए, इसका जवाब तो ओवैसी साहब को देना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया और तमाम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, आपने इन्हीं के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अखिलेश जी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही और उत्तर प्रदेश में अब योगी की सरकार है,
क्या बदलाव आपको नजर आया? आप पुराने लोग हैं, आप बुजुर्ग लोग हैं, क्या बदलाव नजर आया? अखिलेश की सरकार में क्या नजर आया, योगी की सरकार में क्या नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, अखिलेश जी की सरकार थी तो यहाँ पर आग लगाने का काम हो रहा था वातावरण में, और जब से योगी जी की सरकार आई है तो यहाँ पर बाग लगाने का काम हो रहा है, चारों तरफ शांति है, अब कहीं आग नहीं लग रही है, अब बाग लगाए जा रहे हैं। वो जो जब भी बैठते हैं आग लगाते हैं, मरवाते हैं, कटवाते हैं, दंगे कराते हैं, लूट कराते हैं, कर्फ्यू लगवाते हैं, वो सब ख़त्म हो गया। अब भोले वाले बेपड़े मजदूर मुसलमानों को अखिलेश जी खाली क्या नाम है झूठा जो है हमदर्दी का वादा कर रहे हैं। अब ये इनकी 5 साल सरकार रही तो इन्होंने कितने मुसलमानों को लाभ पहुँचाया, क्या ये बता सकते हैं? नहीं पहुँचाया। चलिए देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं, हालांकि जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। मेरे साथ हाजी अल्ताफ जी हैं, जिनका ये कहना है कि जो इस वक्त सरकार चल रही है, जो लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं, तस्वीर हम सामने दिखा रहे हैं, एक हिंदू समाज के लोग हैं वो भी इस जलसे में, इस जुलूस में शामिल हैं, लेकिन बहराइच की घटना पर भी अल्ताफ जी ने सीधी बात रखी अपनी। और ये तस्वीर आप देखिए, पूरा जो बाजार है वो सजा हुआ है, हालांकि आज सोमवार का दिन है, यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो हिंदू समाज की भी है, लेकिन ये जो जुलूस निकलता हुआ आपको दिखा रहे थे, हमने इनसे बातचीत करी और इनकी जो पूरी बात है हाजी अल्ताफ जी की वो आपने सुनी, बहराइच घटना पर भी सुनी, अखिलेश यादव के आरोप पर भी सुनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज पर भी हाजी अल्ताफ जी ने पूरी तरीके से अपना जवाब इस कैमरे के, इस माइक के माध्यम से आपके सामने रखा है। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।